हाँ सुभाष जी जी सर, आपने कोई संपर्क से ऑनलाइन कंप्लेंट की है? जी सर। किसके संबंध में, क्या मामला है? सर ये 20 जुलाई 2018 का केस है। अच्छा, कहाँ ये आपका मामला, अभी कौन से ऑफिस में है, आपने क्या कंप्लेंट की? सर ये SDM ऑफिस से मैंने 30 मार्च 2022 को रीओपन करवाया। अच्छा, रीओपन करवाया। हाँ जी सर। तो उसकी जाँच अभी कौन कर रहे हैं? सर अब पुलिस का तो कहना है कि हमारे पास कोई फाइल ही नहीं। वहाँ आपने SDM ऑफिस से मालूम किया था फाइल भेजी नहीं भेजी? सर एक मिनट, मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ आपको ना। सर जब मैंने रीओपन करवाया था ना केस, हाँ, तब मुझे एक आदमी मिला था, उसमें जिस पर मुझे शक है। सर उसने मुझे कहा था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। नहीं, कौन मिला था? सर जो जिस पर मुझे शक है, तीनों में से एक मिला था। नहीं वो तो बात सही है, उससे जांच हो जाएगी। सर दूसरी बात, एक और अपराधी है, वो भी सर मेरे घर के पास एक शराब का ठेका चलता, 2 नंबर का। नहीं आप जो प्रक्रिया वो पूरी बताओ, उस अनुसार जांच होगी। अगर आपकी फाइल SDM ऑफिस में है, अपना SDM ऑफिस से अभी मालूम करो भाई, हमारी फाइल पुलिस को दो जांच के लिए, तो पुलिस जांच शुरू कर देगी। सर वो सही बात है आपकी। हाँ, पर तो जो मेरे घर के पास ठेका है ना, उस पर वो बैठता आदमी, सर वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। नहीं, जैसे कोई डराने की कोशिश कर रहा है तो उसकी अलग घटना है, जो वर्तमान अभी है वो दूसरी हो, ये तो दूसरी घटना है। अगर आप नहीं, धमकी दे रहा है, एक मिनट सर, डरा रहा है, मतलब केस रीओपन हुआ तब डरा रहा है ना मुझे, पहले तो नहीं डरा रहा था वो मुझे। तो यही तो कह रहे हैं भाई, आप जैसे कोई डरा रहा है तो उसकी अलग से रिपोर्ट दो भाई, मेरे को ये डरा रहा है, उसके सीधी थाने पे आप रिपोर्ट दो, कार्रवाई हो जाएगी। पर सर इसमें ही है ना, वो अपराधी तो इसमें अपराध किया था, वही है ना। वो तो बात सही है, वो तो अपराध हुआ था 2018 में, उसकी जांच तो आप पहले, मैं बात आप सुनोगे तब बताऊंगा मैं। जी सर आप बताओ। ये है जैसे आपकी जो कंप्लेंट है, उसमें जैसे आपने कहा कि भाई हमारे ये कंप्लेंट थी तो उसमें 18 का मामला है, तो वो फाइल आपके पास SDM ऑफिस है। हाँ जी। SDM ऑफिस से रीओपन हुई कि नहीं हुई, पुलिस के पास भेजाओ, अभी पुलिस के पास भेजा दो, जो फिर उसमें पुलिस आपकी कार्रवाई कर देगी। एक बात तो ये, दूसरी बात, अगर वो धमकी दे रहे हैं तो उसके लिए दूसरा अपराध है। जैसे आज मेरे साथ कोई मारपीट करता है नहीं, तो मैं आज की रिपोर्ट अलग दूंगा, कल और कोई दूसरी घटना हो जाती है तो उसकी रिपोर्ट मैं अलग देता हूँ। पर ये तो सर जांच आप करेंगे कि SDM ऑफिस में मैंने रीओपन करवाया तो हुआ क्यों नहीं, ये तो आप करोगे ना। नहीं वो तो हमारे पास आएगी तब करेंगे हम तो। सर वो तो पुलिस विभाग अलग है, वो अलग है डिपार्टमेंट है। नहीं नहीं वो नहीं सर, पर मैंने तो करवाया ना रीओपन, इस पर मैं SDM ऑफिस वालों को मैं कहूँगा कि भाई आप मैंने रीओपन करवाया, आपने भेजी क्यों नहीं फाइल, वो तो आप बात करो। मैं हम तो बात कैसे करेंगे भाई, हमारे पास फाइल ही नहीं है। तो मैंने तो कलेक्टर ऑफिस में वो कर दी रिपोर्ट, अब वो जांच करेंगे ना, वो क्यों नहीं कर दी कलेक्टर ऑफिस वाले, वो हमारे को मालूम नहीं, अगर हमारे पास आएगी नहीं तो हम कर लेंगे। और हम बागोड़ा था अभी, और आप जैसे कह रहे हो बागोड़ा SDM को भेजी है, तो वहाँ भी बागोड़ा SDM को थाने वालों को बता देते हैं, वो आज संपर्क करेंगे। कल भी एक बार जाके बागोड़ा SDM वाले को कहो भाई हमारी फाइल वहाँ भेजे, तुरंत कार्रवाई हो जाए। यूँ जी सर, मैंने करवाया रीओपन तो करवाया सर, मैं 3 घंटे, मेरी लोकेशन है 30 मार्च 2022 की, 3 घंटे में रुका वहाँ पर। नहीं आपने एप्लीकेशन दी, कैसे करवाया सर? एप्लीकेशन दी उस टाइम में नाबालिग था, 17 साल का था, इस वजह से एक एप्लीकेशन सही हो गया। दूसरी बार एप्लीकेशन दी क्या, बागोड़ा रीओपन करवाया तब? हाँ तब रीओपन, वो एप्लीकेशन नहीं दी थी सर। एप्लीकेशन दी थी? हाँ सर। बागोड़ा आने जाना होता है क्या? नहीं सर मैं बागोड़ा अब नहीं जा रहा हूँ, वो सर लोग मुझ पर नजर रखते हैं। रहते हो आप? मैं सर लाखड़ी में रहता हूँ फिलहाल। अच्छा, जैसे हम भिजवा देंगे, अगर फाइल वो क्या प्रक्रिया होती है, अगर फाइल वहाँ थाने पे चली जाती है, थाने वाले दोबारा बयान यान लेते हैं, जो भी है आपसे बयान यान लेंगे और जो भी गवाह। नहीं सर मैं बागोड़ा थाना गया था, पर वो फाइल आवे तब लेंगे बागोड़ा। बात सुनो मेरी सर, मैं बागोड़ा थाना गया था मैं ना, वहाँ उन्होंने एक दो पुलिस वाले तो मुझे बता रहे थे कि फाइल ही नहीं, पर पास में खड़ा कांस्टेबल मुझसे बात कर रहा था, बाद में वो आया तो उसने मुझसे कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आत्महत्या ही मृत्यु हुई। अब मेडिकल रिपोर्ट सर फाइल आई नहीं तो मेडिकल रिपोर्ट कहाँ से आ गई? वो तो जांच करेंगे बागोड़ा वाले। सर बागोड़ा वाले ही तो कह रहे हैं ना भाई, एक तो कह रहा है कि फाइल आई नहीं, दूसरा मेडिकल रिपोर्ट की बात कर रहा है। तो भाई फाइल तो जैसे मूल फाइल वहाँ भेजी हुई है, वहाँ रजिस्टर में तो उनका लिखा हुआ होगा, उनको इसलिए उन्होंने बात की होगी भाई SDM ऑफिस में भेज रखा है, उसमें कारण कारण लिखा होगा, यूँ कह रहा हूँ। बाकी जो है जांच हो जाएगी, आप फाइल बागोड़ा है तो बागोड़ा भिजवा देते हैं। ठीक है जी सर, थैंक यू। हाँ।
हाँ